हाय एवरीवन, आज मैं बनाऊंगी पालक पनीर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पालक को अच्छी तरह से धो लिया है। उसके बाद कुकर में पालक साग और एक कच्चा आम डाल के अच्छी तरह से बॉयल कर लिया है। जब बॉयल हो जाएगा तो ये निकल के ब्लेंडर में इसे ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद कढ़ाई में तेल डाल दिया है और जो कटी हुई पनीर वो डाल के अच्छी तरह से फ्राई करना है। ज़्यादा लाल भी नहीं करना, वैसे फ्राई हो चुका है तो मैंने ये निकाल लिया है। अब कढ़ाई में तेज पत्ता, लाल मिर्च और जीरा डाल के और प्याज डाल के भूनना है 2 मिनट तक। और लहसुन जो मैंने कट के रखी थी वो मैंने डाल दिया है और हरी मिर्च भी डाल दिया है। और इसको 2 मिनट तक अच्छी तरह से भूनना है। और कटी हुई टमाटर डाल दिया है और स्वाद अनुसार नमक। और अच्छी तरह से इसको 5 मिनट तक पकाना है। और जो मैं कट के रखी थी पनीर वो डाल के थोड़ा सा पकाना है। उसके बाद जो ब्लेंड करके रखी थी पालक साग वो डाल दिया है और मैं मिक्स कर रही हूँ। और मैं जो फ्राई करके रखी थी पनीर वो डाल दिया है। थोड़ा सा सोया सॉस डाल दिया है और जो मैं बॉईल करके रखी थी आम वो भी डाल दिया है। और इसको 10 मिनट तक पकाना है जब तक ये पानी सूख के गाढ़ा ना हो जाए। वैसे गाढ़ा हो गया है और ये रेडी हो गया है। हमारा पालक पनीर हो गया तैयार, पूरी तरह से पक गया है। और मैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है और बटर भी डाल दिया है थोड़ा सा। बस हमारा पालक पनीर हो गया रेडी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिए।